नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं पाकिस्तान में एक ऐसे ऐतिहासिक मंदिर पर जो हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यह मंदिर पाकिस्तान के सागरी में स्थित है और इसे सागरी मंदिर भी कहा जाता है। सागरी शहर में एक जमाने में हिंदू और सिखों की एक बहुत बड़ी आबादी रहा करती थी, लेकिन आज यहाँ पर नाम मात्र कोई हिंदू बचे हैं। ये सागरी शहर जो है हिंदू और सिखों का एक बहुत बड़ा शहर था, लेकिन आज देखा जाए तो ये इतना बड़ा शहर नहीं है और यहाँ से हिंदू और सिख लगभग जा चुके हैं और कुछ ही हिंदू बचे हैं यहाँ पे। इनमें से ज़्यादातर हिंदू या तो मुसलमान बना दिए गए या फिर इन शहरों को छोड़कर ये हिंदू बाहुल शहरों की तरफ चले गए। अब ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये त्रिमूर्ति मंदिर है। इसे त्रिमूर्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें तीन मूर्ति स्थापित थी कभी, लेकिन आज यहाँ एक भी नहीं है। अब ये तीन स्थान आपको नजर आ रहे हैं, एक सामने, एक दाएं, एक बाएं, लेकिन यहाँ पर मूर्ति एक भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये मूर्ति कहाँ गई? तो ये मूर्तियाँ यहाँ के कट्टरपंथियों ने खंडित कर डाली। और ये जो देख रहे हैं आप, ये शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की हालत आप देख रहे होंगे। यहाँ पर कोई भी पूजा पाठ नहीं होता है, यहाँ पे आरतियाँ नहीं होती है और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये खास बात यह है कि ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन पाकिस्तान में इनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है। और ये देखिए, यहाँ से जो मूर्तियाँ थी या कुछ कीमती चीज़ें यहाँ पे थी वो सब उठा ली गई हैं और इनको तोड़ फोड़ दिया गया है। और ये सब काम क्या है? यहाँ के कट्टरपंथियों ने। और अभी आप देखेंगे आगे और कुछ चौंकाने वाली चीज़ें देखेंगे इसी मंदिर के प्रांगण में भी और मंदिर के अंदर भी। यहाँ पे कोई प्लास्टर भी नहीं है, ये भी उखाड़ फेंके गए हैं। और यहाँ पे आजकल जो यहाँ के स्थानीय जो मुसलमान हैं उन्होंने इसे एक प्रकार से तबेला बना दिया है। उनके पशु यहाँ पे बनते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे खेलते हैं और जो घरों की गंदगी है वो भी इसी के प्रांगण में आके डाल जाते हैं। और यहाँ पे एक ज़माने में यहाँ पे पूजा पाठ सभी चीज़ें हुआ करती थी, मेले लगते थे, लेकिन आज यहाँ मेले नहीं लगते। आज यहाँ पे पशु घूमते हैं या यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर दिन भर खेलते हैं। और ये शिव मंदिर हो गया और ये त्रिमूर्ति मंदिर हो गया। और अभी आप देखेंगे जो मंदिर की दीवार है उस पर किस तरह इन्होंने विज्ञापन यहाँ पे लगाए हैं, जबकि किसी भी धार्मिक इमारत पर इस तरह के विज्ञापन नहीं किए जाते हैं। आपको ये चीजें पाकिस्तान में मंदिरों पर तो मिलेगी, लेकिन मस्जिदों पे इस तरह कहीं नहीं मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि यहाँ हिंदुओं की क्या स्थिति है। और ये जो कुआं आप देख रहे हैं ये भी बहुत प्राचीन कुआं है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक जमाने में मुसलमानों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। और आज इस पे मुसलमानों का ही कब्जा है, हिंदू तो खुद ही यहाँ पे तरस रहा है पानी के लिए। तो ये देखिए प्राचीन कुआं, इसकी हालत देख सकते हैं आप क्या हो गई है। और ये प्रांगण देखिए, ये मंदिर का प्रांगण है, कैसे पशु बंधे हुए हैं और यहाँ किस तरह गंदगी जो है वो फैली हुई है। बच्चे खेलते हैं यहाँ पे और हिंदू यहाँ पे बचे नहीं हैं। इससे ये भी पता चलता है कि यहाँ पर हिंदुओं पर कितना बड़ा अत्याचार हुआ होगा और उन्हें किस तरह भगाया हुआ होगा। ये आप देख सकते हैं गंदगी किस तरह फैली हुई है, ये इस मंदिर की हालत है। और ये प्राचीन मंदिर है और आप देखेंगे ऐसे मंदिर अगर हिंदुस्तान में तो शायद नहीं मिलेंगे और वो भी आबादी के आसपास नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मंदिरों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और ले देकर 26 मंदिर यहाँ पर बचे हैं। तो इसी के साथ अनुमति दोस्तों, अगली बार फिर मिलूंगा एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।